ये दास्तान है एक बड़े ही ज़बरदस्त कलाकार शरद सक्सेना की, जिन्हें आपने 80 और 90 के दशक में अक्सर हीरो की पिटाई करते और खुद हीरो से मार खाते देखा होगा। बॉलीवुड में एक विलन के तौर पे अपनी पहचान बनाने वाले शरद सक्सेना साहब ने बॉलीवुड में एक बेहद लंबा सफर तय किया है। शायद ही कोई ऐसा सिनेमा प्रेमी होगा जिसने शरद सक्सेना साहब के निभाए गए विलनी वाले रोल नहीं देखा है। इस वीडियो में हम शरद सक्सेना साहब की जिंदगी की कहानी और इनके लंबे फिल्मी करियर पे चर्चा करेंगे। इस बात की खबर तुम्हें नहीं मिली थी? ऐसी खबर और ऐसी खबर देने वालों को हम जमीन में गाड़ देते हैं इंस्पेक्टर। शरद सक्सेना साहब ने 80 और 90 के दशक में बतौर खलनायक काम किया। 80 और 90 के जमाने में ये बॉलीवुड की हर एक्शन क्राइम फिल्म में नजर आ ही जाते थे और 90 की फिल्मों में इनका एक फाइट सीन जरूर होता, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी बहुत ही शानदार थी और एक फाइटर के तौर पे इनकी पर्सनालिटी बहुत ही सेट होती थी। इसलिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर की पहली पसंद एक फाइटर के तौर पे शरद सक्सेना साहब ही थे। इसलिए अक्सर फाइट सीन के लिए शरद सक्सेना साहब को अक्सर फिल्मों में लिया जाता था। आपने इन्हें अक्सर फिल्मों में मारपीट करते और लोगों पे जुल्म करते देखा होगा। चलिए तो एक नज़र डालते हैं इनकी जिंदगी पे। कपूर बस्ती के रहने वालों, तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी बस्ती खाली कर दो। शरद सक्सेना साहब का जन्म हुआ 17 अगस्त 1950 को मध्य प्रदेश के सतना जिले में। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से और साथ ही जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। शरद सक्सेना साहब को बचपन ही से फिल्में देखने का बेहद शौक रहा। ये अपने स्कूल के दिनों में ही चाहते थे कि फिल्मों में एक्टिंग करें और एक एक्टर बने, और बहुत सारे लोगों से भी ये अपने लुक और पर्सनालिटी की तारीफ सुना करते। यही वजह रही कि फिल्मों में अपने आप को एक एक्टर के रूप में ये देखना चाहते थे। जब ये बड़े हुए तो फिल्मों में हीरो बनने और एक्टिंग करने की बात शरद सक्सेना साहब ने अपने पिता से की, जिसकी वजह से इनके पिता इनसे काफी नाराज हुए और राजी नहीं हुए। दरअसल इनके पिता चाहते थे कि शरद सक्सेना एक इंजीनियर बने। इनके पिता ने इनको समझाया कि बेटा पहले तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बाद में जो मर्जी हो तुम करना। पिता की ये बात सुनने के बाद शरद सक्सेना साहब ने जबलपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कम्प्लीट की, और अपनी इंजीनियरिंग कम्प्लीट करने के बाद एक बार फिर से एक्टर बनने की बात शरद सक्सेना ने अपने पिता से की, जिसके बाद इनके पिता ने इनसे कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास में प्रोफेशनल डिग्री तो है ही, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इनके पिता ने उन्हें एक्टिंग करने के लिए इजाज़त दे दी, जिसके बाद फिल्मों में एक्टिंग करने का सपना सजाए हुए ये अपने स्कूल के दोस्त चंदन घोष के साथ आ गए मुंबई। फिल्मों में एक्टिंग करने का सफ़र अभी इनसे बहुत दूर था। ये मुंबई तो आ गए, लेकिन उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने का कोई ऑफर नहीं मिला और बड़ा ही संघर्ष इन्होंने इन दिनों मुंबई में किया, लेकिन फिल्मों में इन्हें एक्टिंग करने का कोई मौका नहीं मिला। और अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने मुंबई की एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी हिंद रिक्टिफायर में नौकरी पकड़ ली और ये नौकरी करते रहे, और साथ में इन्हें फोटोग्राफी का शौक भी लग गया था और नौकरी के साथ साथ ही अपने स्कूल के दोस्त के साथ फोटोग्राफी भी किया करते। इनके स्कूल के दोस्त रहे चंदन घोष, ये इनके साथ मुंबई में रहते और इनके साथ फोटोग्राफी भी किया करते। इसी दौरान उन्हें अपने दोस्त चंदन घोष के साथ जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र की फोटो लेने का मौका मिला, और फोटो लेने के बाद वीरेंद्र ने इन्हें लंच करने के लिए इन्वाइट किया। जब ये लंच कर रहे थे, इसी दौरान वीरेंद्र ने इनकी बॉडी बिल्डर जैसे शरीर और इनकी पर्सनालिटी को देखते हुए वीरेंद्र ने शरद सक्सेना से पूछा, क्या तुम भी एक्टर बनना चाहते हो? शरद सक्सेना ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता हूँ। तभी धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र ने शरद सक्सेना से कहा कि तुम अपनी तस्वीरों की कुछ फोटोकॉपी मुझे दे दो, जिसके बाद शरद सक्सेना मुंबई के अपने रूम पे जल्दी से गए और उन्होंने इनकी कुछ फोटोकॉपी धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र को दे दी। ये फोटो धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र ने एक प्रोड्यूसर को दिखाई और यहीं पे शरद सक्सेना को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए, जिसके बाद उन्हें कुछ मुख्तसर फिल्मों में काम करने का मौका मिला और इनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1974 की फिल्म बेनाम से हो पाई। 1974 की बेनाम फिल्म के एक पार्टी वाले सीन में ये अमिताभ बच्चन के साथ एक छोटे से सीन में नजर आए थे। पर्दे पे जनगण मन चल रहा है जनाब, पिक्चर देखने आ रहे हैं। बड़ी गड़बड़ी हो गई थी यार, तुझे नहीं मालूम? बट मैन, तुम कैसा आदमी है, ये वक्त आने का है क्या? यार तुझे नहीं मालूम, रास्ते में एक आदमी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने साल 1974 की फिल्म दिल दीवाना, साल 1976 की फिल्म जाने मन और साल 1976 की फिल्म कबीला, एजेंट विनोद, भला मानुष और साल 1978 की कसमे वादे जैसी फिल्मों में शरद सक्सेना ने काम किया।
लेकिन इन फिल्मों से इनके चेहरे को ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई। जिस फिल्म से इनके चेहरे को ज़्यादा पहचान मिल पाई वो फिल्म थी 1979 की फिल्म काला पत्थर। ये किस्सा भी मशहूर है कि कैसे फिल्म काला पत्थर में शरद सक्सेना साहब को धन्ना का किरदार मिला। बात है दरअसल 1978 की, जब ये एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग के दौरान इनकी जान पहचान जाने माने स्क्रीन राइटर सलीम खान से हो गई थी, जो कि सलीम खान भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से ताल्लुक रखते थे और शरद सक्सेना साहब भोपाल से, जिस वजह से इनके बीच कुछ कनेक्शन निकल आया। इस ज़माने में सलीम और जावेद साहब का बहुत ही बोलबाला था, बहुत सी फिल्मों की कहानियां ये साथ लिखा करते थे। इसी दौरान सलीम साहब फिल्म काला पत्थर की कहानी पे काम कर रहे थे और उन्हें ख्याल आया कि फिल्म काला पत्थर में शरद सक्सेना को कोई रोल दिया जाए। ये बात सलीम साहब ने जावेद साहब से कही और उसके बाद शरद सक्सेना को सलीम साहब ने कहा कि तुम जाओ और डायरेक्टर यश चोपड़ा से मिलो और उनसे कहना कि हमने तुम्हें भेजा है, वो तुम्हें इस फिल्म में एक रोल दे देंगे। इसके बाद शरद सक्सेना साहब को काला पत्थर में धन्ना नाम के कैरेक्टर का रोल मिल गया और इस रोल को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। इस फिल्म में इनके साथ अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर जैसे बड़े स्टार थे और जो कि ये फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा की थी, जिसकी वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री में अपने पाँव जमा पाई और फिल्म काला पत्थर के बाद उन्हें बहुत सी फिल्में मिलने लगी। वैसे तो शरद सक्सेना ने 70, 80 और 90 के दशक में बतौर साइड विलन या मेन विलन के हिंचमैन की तरह ही फिल्मों में काम किया और इसी तरह के रोल करके उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। वो आज कहाँ पहुँचेगा साला, उसके पैरों में हमने इतने नोटों के बंडल बांध दिए हैं कि वो अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं सकेगा। क्या पकता है? शरद सक्सेना साहब को उनके शूटिंग के दौरान कई बार उन्हें चोट लगी क्योंकि इस जमाने में आज की तरह सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे। शरद सक्सेना साहब बताते हैं कि शूटिंग के दौरान कई बार ऑन सेट उनको कई बार चोट लगी और कई बार उनको बुरी तरह जख्मी होना पड़ा और उन्होंने शूटिंग के दौरान होने वाले हादसों की वजह से तकरीबन 8 बार अपनी सर्जरी करवाई। फिल्मों में इनकी डायरेक्ट डिलीवरी बहुत ही छोटी होती क्योंकि उनको साइड विलन के तौर पे ही हमेशा काम मिला। लगातार 25 सालों तक इसी तरह के रोल फिल्मों में ये लगातार करते रहे और हमेशा निगेटिव रोल करते ही दिखाई दिए। बॉलीवुड में जो एक बार जो रोल करते डायरेक्टर इसी तरह के रोल के लिए इस एक्टर को याद करते हैं। जैसे शराबी की एक्टिंग के लिए केशतु मुखर्जी को ज़्यादातर फिल्मों में याद किया जाता और ये शराबी की एक्टिंग करते ही दिखाई देते, या पुलिस कमिश्नर या इंस्पेक्टर के रोल के लिए इफ्तिखार साहब को याद किया जाता। इसी तरह जब भी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को साइड विलन के तौर पे या मेन विलन के असिस्टेंट या हिंचमैन के तौर पे या एक फाइटर के तौर पे किसी को फिल्म में लेना होता तभी उन्हें शरद सक्सेना साहब की याद आती। लेकिन सन 2000 आते आते शरद सक्सेना ने फिल्मों में पॉजिटिव किरदार निभाना शुरू किए और हल्की फुल्की कॉमेडी करना भी शुरू कर दी, लेकिन कोई बड़ा रोल इनके हाथ नहीं आया। सन 2000 के बाद भी ये हीरो या हीरोइन के बाप या अंकल का किरदार निभाते ही फिल्मों में नजर आते। साथिया फिल्म में उन्होंने रानी मुखर्जी के पिता का किरदार निभाया था। तुमको ना भूल पाएंगे में उन्होंने सलमान खान के फादर का रोल निभाया था। हाल ही की बजरंगी भाईजान में भी ये सलमान खान के पिता का किरदार निभाते नजर आए और भागम भाग, हेरा फेरी और किस किस को प्यार करूं जैसी फिल्मों में ये कॉमेडी भी करते नजर आए, जिससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये हर तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। कॉमेडी सीन, इमोशनल सीन, फाइट सीन, हर तरह की अदाकारी से उन्होंने अपने ऑडियंस को मनोरंजन दिया। बात करें अगर शरद सक्सेना की कुछ प्रमुख फिल्मों की तो उन्होंने मिस्टर इंडिया, हमसे है जमाना, त्रिदेव, एतबार, घायल, अग्निपथ, जुर्म, हमसे ना टकराना, शक्ति, मैं इंतकाम लूंगा, बॉक्सर, जियो और जीने दो, घायल, थानेदार, शान, गुंडा राज, बेटा हो तो ऐसा, जिद्दी, अजय, डुप्लीकेट, एक ही रास्ता, सोल्जर, बड़े मियां, छोटे मियां, गजब, आज का गुंडा राज, बादशाह, बागबान, बजरंगी भाईजान, फिर हेरा फेरी, आग का गोला, शहीनशाह, पाप की दुनिया, गुलाम, क्रिश तुमको ना भूल पाएंगे जैसी 250 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया और इनका बॉलीवुड में इतना लंबा सफ़र रहा है कि एक वीडियो में इतनी सारी फिल्में बताना नामुमकिन सा लगता है। और 1974 से लेकर आज 2021 तक भी ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए है। 1998 में आई आमिर खान की फिल्म गुलाम के लिए उन्हें बेस्ट विलन के तौर पर नॉमिनेट किया गया था। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने 1998 की इंटरनेशनल टेलीविज़न सीरियल महाभारत में भी काम किया। शरद सक्सेना ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। और आप भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें आपको शरद सक्सेना की भूमिका सबसे ज़्यादा पसंद है।
शरद सक्सेना साहब की निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो पता चलता है इनकी शादी हुई थी शोभा से। इस शादी से उन्हें दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। इनके बेटे का नाम है विशाल सक्सेना और इनकी बेटी का नाम है वीरा सक्सेना। वाकई शरद सक्सेना एक ज़बरदस्त कलाकार है जिन्होंने फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाया, कॉमेडी भी की और बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहद लंबा सफ़र तय किया और इनका ये फिल्मी सफ़र आज भी जारी है। और आज भी शरद सक्सेना साहब अपनी एक्टिंग के दम पे दर्शकों को खूब सारा मनोरंजन दे रहे हैं और आगे भी इसी तरह मनोरंजन देते रहेंगे। दोस्तों आज हमने बात की एक्टर शरद सक्सेना की। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह की बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़े किस्से और कहानियाँ जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्विट और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।